अस्सलाम वालेकुम, हसन खान टीवी पे खुश आमदीद। ये मेरा पहला बुक हॉल है। बुक हॉल पे आने से पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि अब मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को 4 दिन अपलोड करता हूं इस चैनल पे। और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस वीडियो के एंड पे अगर आपको पसंद आएगी तो आप थम्स अप भी कर देंगे। बाकी ये कि आपका फ़ीडबैक कमेंट्स में मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप देंगे भी अपना फ़ीडबैक। तो मैं रिसेंटली पब्लिक स्पीकिंग के लिए गया था कराची। उससे मेरा पहला ये एक्सपीरियंस था, उससे पहले कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की मैंने। तो वो उसके लिए तो एक सेपरेट पूरा व्लॉग बनाया है, वो मेरे व्लॉग चैनल पर है। आपको मेन पेज पर मेरे चैनल के उसका व्लॉग चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं वो व्लॉग भी। और उसके अलावा मेरे पास जैसे ही मुझे वहाँ पे कराची में थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने बुक्स बाय की। तो बुक्स बाय की मैंने सोचा कि हसन खान टीवी पे बुक हॉल बनाता हूँ। इससे पहले मैंने कभी बुक हॉल नहीं बनाया, तो मुझे ज़रा शौक भी आ रहा था बुक हॉल बनाने का। तो अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है, बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप्स या सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। तो सबसे पहली बुक मैंने बाई की थी वो ये थी, हु मूव माई चीज़। ये बिज़नेस बुक है, और इसका मुझे पता लगा था पैट्रिक डेविड की वीडियो से। तो जैसे ही मैंने ये टाइटल पढ़ा, मुझे याद आ गया कि ये बुक मुझे बाई करनी थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। ये बुक है असल में अडैप्टेबिलिटी के मुतालिक है, यानी कि चेंज के मुतालिक है, कि आपको कैसे सर्कमस्टांसिस के साथ चेंज होना पड़ता है। बहुत छोटी सी बुक है, तकरीबन 100-125 पेजेस की बुक है। बहुत अच्छी बुक है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है। इसकी कीमत थी 695 रुपये में मैंने ये बाई की थी। दूसरी बुक मैंने बाई की रॉबिन शर्मा की, लाइफ लेसन्स फ्रॉम द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये बुक बाई करने के बाद पता लगा कि ये पूरी एक सीरीज़ है। ये सीरीज़ की तीसरी बुक थी, इससे पहले 2 बुक हैं और इसके बाद भी 3-4 बुक्स हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट की बुक है ये, और अच्छी लगी मुझे ये बुक। मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, अभी इसके मेरा ख्याल 40-50 पेजेस पढ़े हैं। बहुत अच्छी बुक लगी है मुझे, सारी पढ़ूंगा, और मे भी मैं पूरी सीरीज़ पढ़ूँ ये रॉबिन शर्मा की, जो ये है ना मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, इस ये पूरी सीरीज़ पढ़ूँगा मैं। इस बुक की कीमत थी 700 से 800 के दरमियान थी इसकी कीमत। तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा, जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट में, बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हों, वो ये बुक लाजमी पढ़ें। तीसरी बुक ये थी हाउ टू मैनेज पीपल बाय माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग। इस बुक के मुताबिक मुझे नहीं पता था ज़्यादा, जाते जाते नज़र आ गई तो मैंने ये भी बाय कर ली। ये 300 की थी बुक, मुझे याद नहीं है कि ये सेल में थी 300 की या वैसे इसकी कीमत इतनी है। बहरहाल मुझे बुक अच्छी लगी, ये लीडरशिप और मैनेजमेंट के हवाले से है, बिज़नेस बुक है, तो अच्छी लगी तो मैंने बाय कर ली। लेकिन जब पढ़ूंगा तो अभी इसके मुताबिक कुछ बता सकूंगा ज़्यादा। इसी तरीके से एक और बुक मुझे नज़र आई थी, 1 मिनट मेंटोरिंग। ये बुक भी 2 लोगों ने लिखी है, और ये बुक है 600 की, 595 इसकी कीमत है। पहली दफ़ा सुना था इस बुक के मुताबिक, पहली दफ़ा मतलब देखी है ये बुक, इसके मुताबिक ज़्यादा सुना नहीं मैंने पहले तो, लेकिन अच्छी लगी मुझे। लिखा हुआ है पीछे फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग को ऑथर ऑफ द 1 मिनट मैनेजर। 1 मिनट मैनेजर मैंने इसके मुताबिक बहुत सुना है। तो जो इसका ज़ाहिर को ऑथर है वो 1 मिनट मैनेजर का भी ऑथर है। तो अच्छी लगी मुझे वैसे ये बुक। बाकी जब पढ़ूँगा तो ज़ाहिर है फिर रिव्यू बनाऊंगा, फिर इसके मुताबिक ज़्यादा बता सकूंगा। अभी तो पढ़ी नहीं है ये बुक मैंने। जो आखिरी बुक है इस बुक हॉल की, वो है योर अल्टीमेट सक्सेस प्लान। ये बुक लिखी है तुम्हारा जेकब्स ने। इसी तरह ये बुक भी मुझे नहीं पता था इस बुक के मुताबिक, पहली दफ़ा इस बुक के मुताबिक पता लगा। ये बुक थी 400 की, 395 इसकी असल कीमत है। और इस पे बैक पे इसका एक टैगलाइन इसकी लिखी हुई है, बिल्ड योर ब्रांड, एनहेंस योर सेल्फ वर्थ। तो ये बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट की बुक है, और पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस से रिलेटेड ये बुक है। मैं इसी तरह की बुक्स मुझे ज़्यादा पसंद हैं, जो पर्सनल डेवलपमेंट की हों, सेल्फ हेल्प की हों, एंटरप्रेन्योरशिप पे हों, बिजनेस पे हों।
ये थी मेरी 5 बुक्स जो मैंने अभी सितंबर में बाई की हैं कराची से। तो मज़ीद आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें। मैं अब रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगा जो कि बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म की वीडियोस होंगी, हर तरह के टॉपिक्स को कवर करूँगा। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा जो मेन गोल था, मेन पर्पस था, वो एक ऐसा चैनल बनाना था जिसमें बड़ा डाइवर्सिफाइड कॉन्टेंट हो। मैंने ये सोचा था, मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह करता था कि इस चैनल पर मैं व्लॉग के अलावा हर चीज़ अपलोड करूँगा, वो कैजुअल डिस्कशन भी, इंटरव्यूज़ भी, बुक हॉल्स, मज़ीद इस तरह की हाउ टू वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, एजुकेशनल वीडियोस, मतलब व्लॉग्स के अलावा जिस किस्म की भी वीडियोस बन सकती हैं ना, वो मैंने इस चैनल पे अपलोड करनी थी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको स्पेसिफिकली व्लॉग्स में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल है हसान खान व्लॉग्स। आपको चैनल के साइट पे लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप होम के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको व्लॉग चैनल का लिंक भी नज़र आएगा। तो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्ट है, या आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं, या आप टाइम टू टाइम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या काम हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे रिसेंटली मैं कराची गया हुआ था तो मैंने वहाँ पर 2 व्लॉग्स बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं व्लॉग चैनल पर। व्लॉग चैनल का नाम है हसान खान व्लॉग्स। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और थम्स अप भी कीजिएगा इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।